Welcome back again, and we are going to study the preparation of alkene. Alkene की preparation अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहला वाला है alkynes. See, हमने preparation of alkene भी जब देखा था, तो हमने देखा था alkyne का अगर हम reduction करोगे, CH triple bond CH, तो आपको alkane मिल सकता है. Same चीज हम करने वाले, alkyne का reduction करेंगे, but alkyne में से अगर alkane चाहिए देन जब रिडक्शन करते हैं तो आप हमेशा थोड़ा अलग तरीके से करते हो, निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में करते हो. तो उससे होता क्या है, उससे ये चीज़ होती है कि बिकॉज ऑफ दैट इसके ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं और सीधा आपको क्या मिलता था, अल्केन मिलता था. अगर हमें अल्किन बनाना है तो एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये है कि हमें अल्केन तक रिडक्शन नहीं करना है, खाली एक एक बॉन्ड ही तोड़ना है और दोनों में एक एक एच ऐड करना है. डिफरेंस समझ में आ रहा है, मैं आपको समझाता हूं. देखो ऐसा है, हमारे पास अल्काइन, अल्काइन के अंदर अगर मैं सिंगल H2 डालता हूं ना तो वो बन जाता है अल्किन, एंड और एक H2 डालता हूं तो वो बनता है अल्केन. तो बनता है आपके पास अल्केन. हमें बनाना क्या है, अल्किन बनाना है. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इसका रिडक्शन चालू करते हो ना, वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है एंड इट स्टॉप्स एट अल्किन पे ही स्टॉप होता है. हमें बनाना क्या था, अल्किन. तो समहाउ वी हैव टू स्टॉप दिस रिएक्शन ओवर हियर ताकि वो आगे जाके कंटिन्यूसली अल्किन नहीं बना दे. तो अगर आप नॉर्मल रिडक्शन करते हो निकल के साथ या तो प्लेटिनम के साथ या तो पैलेडियम के साथ एस्टेट करते हो, तो आपको वो अल्किन ही देगा. And we don't want alkane. तो उसके लिए क्या करते हैं, alkyne को instead of reacting with hydrogen in the presence of nickel, platinum, palladium, उसके जगह पे palladium and carbon का combination लेते हैं, palladium plus carbon का combination देते हैं, तो वो reaction को एक ही step पे रोक देगा और आपको क्या देगा, वो alkyne. Okay? और ये जो तो combination है उसको बोलते हैं Lindlar's catalyst. उसको क्या बोलते हैं, Lindlar's catalyst. So सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे बताया गया, when we are doing the reduction with alkyne, alkyne का reduction कैसे करोगे, palladium plus carbon के presence में आपको मिलेगा cis alkyne. क्या मिलने वाला है, cis alkyne आपको पता है, double bond की दोनों, okay, double bond की एक ही side पे दोनों बड़े group या तो similar group होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, cis. trans में क्या होता है, एक दूसरे के opposite होता है. That's what we had learnt. So, अगर वही alkyne को हम सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ करते हैं रिएक्शन, देन आपको मिलने वाला है ट्रांस अल्किन. देन क्या मिलने वाला है, ट्रांस. बट हमको कौन सा प्रोड्यूस करना है, सीज अल्किन. सॉरी, दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांस एंड सीज. ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा है पहला रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन हमें यहाँ पे बताया गया, अगर इथाइन को हम रिएक्ट करते हैं पैलेडियम प्लस कार्बन के प्रेजेंस में, आपको मिलेगा इथीन. या तो प्रोपाइन को रिड्यूस करोगे आप, देन आपको मिलने वाला है प्रोपीन. इन दोनों में सीजन ट्रांस नहीं होता, इथीन और प्रोपीन में. ब्यूटुइन के बाद आपके पास चालू होता है सीजन ट्रांस. तो यहां पे सीजन ट्रांस का कोई मगजमारी नहीं है. ओके, विल प्रोपीन ऑब्टेन दस विल सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, सीजन ट्रांस नहीं है. तो हमको वही क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या प्रोपीन में सीज या ट्रांस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता. लेकिन किसी को पता है कि क्यों नहीं होगा, यस, याद रखने का, जहां पे ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ना, वो दोनों कार्बन पे अलग अलग चीजें होनी चाहिए. जैसे कि ये कार्बन पे हाइड्रोजन है एंड सी एच थ्री है, वो चलेगा. बट दोनों पे ऐसा होना चाहिए, दोनों पे, यहां पे क्या, दोनों हाइड्रोजन ही है, दोनों हाइड्रोजन है तो कभी भी सी ट्रांस आइसोमर्स नहीं दिखाएगा. ये दोनों भी कैसे होने चाहिए थे, एक हाइड्रोजन और एक सी एच थ्री, या तो एक हाइड्रोजन एंड एक क्लोरीन, लाइक दैट. They are supposed to be different. तो ही वो season trans isomerism दिखाता है. Otherwise season trans isomerism वो नहीं दिखाता. Okay? तो उन्हें पूछा. Then we have to see भाई. उन्हें पूछा think for this reason for your answer. The reason आप बोल सकते हो. मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है. जब मैंने आपको season trans की जो short notes बनाई उसमें लिखवाया हुआ कि कौन से compound दे सकता है, कौन सा compound नहीं दे सकता. जरा उसको revise कर लेना. Okay, we'll continue. तो सबसे पहले हमने देखा अल्काइन का रिडक्शन से आपको क्या मिलता है,
पैलेडियम प्लस कार्बन से आपको सी सल्किन मिलता है, सोडियम प्लस अमोनिया वाले से करोगे रिडक्शन तो क्या मिलेगा, ट्रांस। अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड है लाइक दिस, अगर आप उसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हो, KOH अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, यहां से एक X निकल जाएगा और यहां से एक H निकल जाएगा, वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। देखो यहां पे बता रहा हूं आपको, यहां पे एक रिएक्शन दिया गया, हमारे पास ये हैलोजन है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हो तो ये हैलोजन निकल जाता है, ओके, और बाजू वाले कार्बन में से हाइड्रोजन निकलता है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। आर यू गेटिंग दैट? यहां पे हुआ क्या आपके पास, तो भाई हियर एक्चुअली द कार्बन विच इज हैलोजन, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, एंड द नेक्स्ट कार्बन टू दैट अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। So, alpha carbon में से halogen and beta carbon में से hydrogen निकलता है. That's why this reaction is also known as dehydrohalogenation. And since beta में से hydrogen निकल रहा है, इसलिए beta elimination भी बोलते हैं. This is an elimination reaction. Elimination मतलब कुछ निकल जाना. And यहाँ पे एक double bond बन जाता है. So, beta elimination reaction ये हुआ. ये कौन सा reaction हुआ? Beta elimination. हमने किया क्या? Alkyl halide से alkene बनाया. इसमें भी याद रखना, अगर यहां पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, ओके, बिकॉज दिस कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन काफी फास्ट निकलता है, उसके बाद ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। अनदर थिंग, अगर ये हेलो अल्केन टर्सरी वाला है तो और रिएक्शन ज्यादा होगा। टर्सरी का मतलब ये होता है हैलोजन जो कार्बन से जुड़ा है वो दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो एक से जुड़ा तो प्राइमरी, दो से जुड़ा तो सेकेंडरी, एंड तीन से जुड़ा तो टर्शियरी। टर्शियरी वाला हमेशा ये रिएक्शन काफी फास्ट देता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, ये इसको अंडरलाइन करना चाहिए आपको, कीजिए आप अंडरलाइन। सी, उसके बाद विसिनल डाइहाइड, विसिनल डाइहाइड का मतलब क्या है, जो कार्बन क्या, ओके, दो आजू बाजू कार्बन में अगर दो हेलोजन जुड़े तो विसिनल बोलते हैं। एडजेसेंट कार्बन पे क्या जुड़ता है, हैलोजन, देन वी कॉल इट विसिनल। और अगर सेम कार्बन पे दोनों जुड़ जाते हैं ना, सपोज ऐसा होता, तो इसका नाम पता है आपको क्या होता है, जेम डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन तो क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड। एंड इफ दे आर ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम देन वी कॉल इट विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में से भी आप अल्किन बना सकते हो, सिंपल सा रिएक्शन है, जिंक के साथ रिएक्ट करो तो दोनों में से एक एक Br को साथ वो रिएक्ट कर लेगा, एंड ZnBr2 बाहर चला जाएगा, और यहां से क्या मिलेगा आपको, अल्किन। जैसे कि यहां पे तो आपके पास 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, उसको जिंक के साथ रिएक्ट किया था, यहां से Br, यहां से Br, डबल बॉन्ड के निकल के आपको मिला प्रोपेन प्लस ZnBr2। समझ में आ रहा है? तो अब तक हमने देखे हुए, ओके, इनफैक्ट तीन मेथड। पहला मेथड था अल्काइन में से आपको रिएक्शन करके लेके आना है, दूसरा था हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स में से रिएक्शन करके लेके आना है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वाला, थर्ड अभी हमने देखा विसिनल डाइहैलाइड में से, द फोर्थ मेथड व्हिच दे आर सेइंग इज अल्कोहल में से बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। अगर आपके पास अल्कोहल है, जैसे कि यहाँ पे इथेनॉल, एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब यू यूज स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वो क्या करेगा, अल्कोहल में जो OH जो कार्बन से जुड़ा उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, वहां से OH निकालेगा और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकालेगा, HNOH चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यू गेट अल्किन। व्हाट डू यू गेट इज, दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, बिकॉज बीटा में से हाइड्रोजन निकल रहा है, करेक्ट नॉट, it is beta elimination, it is dehydration, yaad rakhna concentrated H2SO4 is known as for its dehydrating property, wo hydrogen, okay, H2O ko bahar nikalta hai, correct or not? to humne char method dekhi, charo ko summarize bhi kar diya hua hai, chalo main aapko dikha deta hu, see yahan pe mere paas alkene ka preparation ka ek chart hai, hum ethene ko prepare karne wale kahan se, to pehla wala humne dekha acetylene yani ki ethyne mein se Lindlar's catalyst use kiya,
क्लोरोइथेन में से बीटा एलिमिनेशन। थर्ड हमने यूज किया 1,2 डाइब्रोमोइथेन यानी कि विसिनल डाइहैलाइड से डीहैलोजिनेशन। एंड द लास्ट वन व्हिच वी हैव यूज्ड इज ओके अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन किया। करेक्ट और नॉट, काफी सिंपल सा है। ओके ये वाले आप लिखोगे और ऊपर टाइटल क्या दोगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। मैं चारों के एक साथ देखे इसलिए मैं ऐसे लगा दूंगा, आप लिखोगे।